वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज शुरू करते हैं हम लेक्चर नंबर 6। आपको पता है चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं कंपनी फाइनल अकाउंट, और लास्ट लेक्चर नंबर 5 में भी मैंने आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया था जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया था। आज भी हम और एक वैसे ही क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे उन्होंने आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को कहा है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे पूछा है कि इसकी पीडीएफ शेयर करो या मिस ये कौन से पेज पे है, तो ये कोई पेज कोई बुक में से नहीं लिया है, ये यूनिवर्सिटी में कुछ साल पहले पूछा गया था तो बस वही मैंने लिया है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी में के एग्जाम में आ जाएगा। जनवरी में आपकी एग्जाम्स है, एंड डोंट वरी, अब सिर्फ चैप्टर नंबर 1 हमारा बाकी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो भी जल्द से जल्द हम कम्प्लीट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ध्यान से हमें क्वेश्चन रीड करना है। क्या दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, ट्विंकल कंपनी लिमिटेड रजिस्टर विद नॉमिनल कैपिटल 8 लाख। नाउ नॉमिनल मतलब ही ऑथराइज कैपिटल, तो ये हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना होता है, लेकिन बैलेंस शीट में हमें ऑथराइज कैपिटल के अंडर जो हेड है उसके अंडर हमें बताना होता है। सो 8 लाख याद रखो क्योंकि हमें ये बैलेंस शीट में बताना है। डिविडेंड 8000, इक्विटी शेयर, द ट्रायल बैलेंस एज ऑन, देखो 31 मार्च 2018, इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर 2017 से लेके 2018 होगा। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डेबिट्स बैलेंस। अब ये मोटर कार है तो आपको ये बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर्स भी बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन कौन से हेडिंग में, करंट असेट में जाएगा। ये कौन से इसमें जाएगा, नॉन करंट असेट, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया है। नॉन करंट असेट मतलब ही फिक्स्ड असेट, बस नाम बदला है, तो ये फिक्स्ड असेट में मतलब ही नॉन करंट असेट में जाएगा। सैलरी ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगी, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम कौन से हेडिंग में लिखेंगे, इसको हम एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस के हेडिंग में लिखेंगे। बैंक इंटरेस्ट, अगेन इट विल गो प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। रेंट पेड, प्रॉफिट एंड लॉस किसके हेड में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। देखो ये आप 4-5 प्रॉब्लम जो मैंने आपको सिखाया है बार बार प्रैक्टिस करो, इमीडिएटली आपको फिर पता चलेगा कि कौन सा एक्सपेंसेस या कौन सा इनकम कौन से हेडिंग के अंडर जाएगा। ओके, नाउ बैलेंस शीट में जाएगी मशीनरी, अगेन ये नॉन करंट असेट के हेड में जाएगा, अगेन बैलेंस शीट नॉन करंट असेट, डिस्काउंट अलाउड है, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, एंड अदर एक्सपेंसेस के हेडिंग में जाएगा। वेजेस दिया है, वेजेस को देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये इनर में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, और कौन से हेडिंग में जाएगा, ऑफ कोर्स वेजेस हम किसको देते हैं, एम्प्लॉईज को, तो ये जाएगा एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड? ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी विल सी स्टॉक। स्टॉक को इन्वेंटरीज कहते हैं, बट ये 1st अप्रैल 2017 है, सो दिस विल बी नोन एज ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ लिखेंगे, ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में हम इन्वेंटरीज के अंडर लिखेंगे। ओके, सॉरी इन्वेंटरीज नहीं, सॉरी स्टॉक ही ओपनिंग स्टॉक है, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस के, एक्सट्रीमली सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमें है ना मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो उसमें जाएगा। ओके, परचेज अगेन ओपनिंग प्लस परचेज, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के हेडिंग में जाएगा। कैरेज, सो ये तीनों हमें, ये तीनों जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और इनका हेड एक ही होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये तीनों हम आइटम ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड। नाउ हियर दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग, आउटवर्ड है क्या इनवर्ड है ये कुछ नहीं दिया है, तो एज्यूम दैट ये हमेशा इनवर्ड ही रहेगा। गॉट इट, जब कुछ नहीं देते हैं तो एज्यूम करना है दिस इज अ कैरेज इनवर्ड। यही अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखा होता, लेकिन अदर एक्सपेंसेस में लिखा होता। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। कैश इन हैंड ऑफ कोर्स बैलेंस शीट करंट असेट में जाएगा, रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर एक्सपेंसेस के हेडिंग में जाएगा, प्रिंटिंग, डायरेक्टर, ऑडिट फी, जनरल एक्सपेंसेस, ये रिपेयर से लेके जनरल एक्सपेंसेस ऑल विल गो प्रॉफिट एंड लॉस, और हेडिंग होगा इसका अदर एक्सपेंसेस।
ओके देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बार बार प्रैक्टिस करो। जितने भी मैंने अभी तक सिखाए मेरे ख्याल से टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने सिखाए हैं, बार बार प्रैक्टिस करो ठीक है। ओके नाउ कम टू द क्रेडिट साइड, शेयर कैपिटल ऑफ कोर्स ये जाएगा बैलेंस शीट में, नेट रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस में, ये इनकम है तो ये अदर इनकम में जाएगा, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन किस में जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो पहली वाली नोट हमें बनानी होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, दिस इज अ करंट लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में और करंट लायबिलिटी के अंडर जाएगा। ओके देन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी बैलेंस शीट में, ये जाएगा बोरोविंग्स के अंडर। गॉट इट। ट्रेड क्रेडिटर्स को ही हम कहते हैं ट्रेड्स पेबल, ये नाम याद रखो। इन्वेंटरीज मतलब ही स्टॉक, क्रेडिटर्स मतलब ही ट्रेड्स पेबल, ये ग्रुपिंग किया है ट्रेड्स पेबल का। इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेबल आता है, अंडरस्टूड। ओके फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा है जब क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस आता है, दिस कंसिडर एज ए लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो ये कहाँ लिखना है, इफ यू रिमेम्बर रिजर्व एंड सरप्लस एक हेडिंग है। अच्छा नहीं याद आते तो नो प्रॉब्लम, मैं करके बताती हूँ। ओके चलो एडजस्टमेंट दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज अ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अंडर एक्ट 2013। ये याद रखो, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, कंपनी एक्ट 2013। ओके चलो स्टॉक की है, स्टॉक को ही हम इन्वेंटरीज कहते हैं, तो इन्वेंटरीज का एक हमें नोट बनानी होगी। बैड डेट्स प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स, मशीनरी डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड डायरेक्टर फाइनल डिविडेंड 20% ऑन पेड अप कैपिटल, ये सब एडजस्टमेंट लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने कवर किए हैं। तो देखो यूनिवर्सिटी वही कॉमन एडजस्टमेंट पूछती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और 20 आउट ऑफ 20 आपको मिलेगी इसमें जरूर, अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे तो। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, टर्न द पेज। अब सबसे पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है, लास्ट लेक्चर में भी बताया है हमें। अब बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना है, तो मेन ये देखो ये वाले आइटम्स लिखने, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है, तो अगर आपने ट्रायल बैलेंस ठीक से देखा है तो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, दिस ऑल विल कम्स हियर। फिर उसके बाद देखो गुडविल है, इनटेंजिबल एसेट है, लेकिन ये कुछ है ही नहीं आइटम्स, तो हमने सिर्फ इसका ही नोट बनाना है, वो उसको नोट नंबर हम देंगे 1। उसमें हम लोग सब डेप्रिसिएशन वगैरह करके जो फाइनल अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पे फाइनली पुट करेंगे ठीक है। फिर नॉन करंट के बाद करंट एसेट आता है, करंट एसेट में इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब ही कैश एट बैंक भी अगर आएगा तो आपको कहाँ पे लिखना है, करंट एसेट में। तो हो गई बैलेंस शीट, दो चीजों में डिवाइड होती है आपको पता है, एक तो टोटल एसेट में और टोटल लायबिलिटी में। तो टोटल एसेट कितने में डिवाइड होता है, दो में, नॉन करंट एसेट मतलब ही फिक्स्ड एसेट और दूसरा करंट एसेट। अब हम चलते हैं लायबिलिटी, और लायबिलिटी किस में शेयर होती है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक है, नेक्स्ट अदर इक्विटी अगर कुछ होगी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। देखो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, ये असेट में कोई टेंशन नहीं है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, लेकिन इक्विटी में ना थोड़ा सा आपको याद रखना है, तो थोड़ी सी सीक्वेंस याद रखो, इक्विटी शेयर, अदर इक्विटी शेयर, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, अदर्स करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तो कुल मिला के देखो ये जो 6 आइटम्स आपको याद करने होंगे, थोड़ा सा ही आपको याद करना है। ओके फिर जिस जिस के नोट्स हमें बनाने हैं, और नोट्स नंबर तो मैंने पहले भी कहा है, नोट्स नंबर आगे पीछे नीचे ऊपर हो सकते हैं, तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे वर्किंग नोट आएगा यू हैव टू जस्ट गिव द वर्किंग नोट नंबर। ओके अब ये हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी नोट नंबर 10 पे स्टॉप हो गई है। इसके बाद हमें बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके आगे के नोट्स जो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के वो हम 11, 12, 13 ऐसे कंटिन्यू नंबर देंगे। अंडरस्टूड। तो चलो ये हमको खाली सिर्फ स्ट्रक्चर बना के रखना है, पहले इसके नोट्स बनाएंगे, एंड वंस नोट्स गेट प्रिपेयर्ड जस्ट वी हैव टू पुट हियर अमाउंट्स
and finally balance sheet should get tally, asset and the liability. So ये ऐसे आपको बना के रखना है. So चलो start करते हैं. पहली note है property, plant, equipment. क्या क्या उसमें है, देखो यहाँ पे दिख रहा है motor का, ठीक है. देन और क्या क्या, 1,48,000. अब उसके बाद डेटर्स है, डेटर्स हम ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर करते हैं तो उसमें जाएगा. ये तो प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसको पहले हम इग्नोर करेंगे, इग्नोर करो क्योंकि अभी हम तो सिर्फ बैलेंस शीट पे ध्यान दे रहे, बैलेंस शीट बना रहे. बिल्डिंग मशीनरी, सी देखो बिल्डिंग मशीनरी ऑल वी शुड राइट इनर कॉलम बिकॉज सबको डेप्रिसिएशन है, ठीक है. डिस्काउंट अलाउंट भी इग्नोर करो फिलहाल के लिए क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है. प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैरेज है. यस, नाउ ये मिला हमें कैश इन हैंड, दिस विल गो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है. तो ये नोट्स बनाने हैं हमें और ये नोट्स हमें हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें पुट करने. ओके, देन ये ऑल विल गो प्रॉफिट एंड लॉस. तो हो गई बैलेंस शीट की डेबिट साइड तो फिनिश हो गई. देखो तो हमको देखने के साथ पता चलना चाहिए कि किस किस बात की हमें नोट्स बनानी है. अब यहाँ पे गुडविल दिया नहीं है तो गुडविल की नोट्स बनाई है क्या हमने, और कोई इंटेंजिबल एसेट कॉपीराइट्स पेटेंट दिया है क्या, नहीं तो उसकी नोट्स नहीं बनाई. तो जो जो दिया है उसके नोट्स बनाई है. यस, ये भूलना नहीं है इन्वेंटरी. सब आप बोलोगे इन्वेंटरी तो दिया ही नहीं है, लेकिन आप भूलो मत एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक. तो ये तो हमको सेकेंड इफेक्ट हम जब देंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस में देंगे, और दूसरा जब बैलेंस शीट में देंगे तो किधर देंगे, इन्वेंटरीज. तो अभी फिलहाल तो इसको ब्लैंक रखो, जब हम लोग एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे करना तो यहाँ पे वो एक इफेक्ट आएगा, ठीक है. अंडरस्टूड. सो इस तरीके से हमारी डेबिट साइड खत्म हो गई है बैलेंस शीट की. नाउ क्रेडिट साइड देखेंगे हमसे बैलेंस शीट से रिलेटेड. ये एक आइटम है, ये है, ये है एंड ये है, ये दोनों तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए तो इग्नोर करो फिलहाल इनको. ओके, शेयर कैपिटल, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि हमेशा पहले ऑथराइज कैपिटल लिखा जाता है, भले वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे लेकिन लिखना जरूरी है. उसके बाद आएगा इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल, दिस इज वन एंड सेम, सो इट विल गो 4 लाख. अंडरस्टूड. सो अब नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब ही ट्रेड्स पेएबल लिखा हमने. देखो यहाँ पे आउटर में लिखो नो एडजस्टमेंट. बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस विल बी कंसीडर एज अ बोरोइंग. सो देखो 36,800, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये कहाँ लिखना है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जगह छोड़ी है हमने इनर कॉलम में, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है. इसमें हम करंट ईयर का जो हमको मिलेगा, अब हम जो जब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो मिलेगा हमें, तो फिर वो हम इधर लिखेंगे. अंडरस्टूड. फिर दोनों की टोटल करेंगे, यही अगर लॉस होता तो ये माइनस होता प्रॉफिट और प्लस. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये लास्ट ईयर प्रॉफिट था तो ये प्लस ये दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे. यही अगर लॉस होता ये वाला लास्ट ईयर का, ये अगर उन्होंने डेबिट साइड दिया होता ट्रायल बैलेंस की तो ये लॉस कंसिडर किया होता, तो दिस माइनस और ये प्लस किया होता. ओके ओके, चलो आगे अब हम देखते हैं. लेट मी क्लियर दिस ऑल, एक रफ करने दो. ओके, नाउ नेक्स्ट हो गया सेंट्री क्रेडिटर्स वगैरह फिनिश, ऑल आइटम्स फिनिश. तो हमने बैलेंस शीट की डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड कंप्लीट किए हैं. Now we'll move to the profit and loss statement of profit and loss. तो देखो ये भी हमें बनाना है, ये भी structure हमें ऐसे ही बना के रखना है. फिर जैसे जैसे notes बनेगी हमें notes की amount लिखेंगे and finally profit find out करेंगे, ठीक है. तो हमारी balance sheet की note 10th, देखो turn करती हूँ मैं, 10th ये हमारी last थी. तो अब note 11 हमारी start होगी statement of profit and loss. So revenue from operation, other income, expenses में क्या क्या है, cost of material consume. देखो इसमें बहुत सारे और एक नीचे books में बहुत दिया है, in changes in inventories, then finished goods, बहुत सारे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है, items दिए ही नहीं है, तो क्यों सब लिखने हैं ना. तो ये opening stock plus purchase plus closing वगैरह दिया है, तो ये employee wages and salary, finance, depreciation, other, and then we'll get finally profit.
चलो आप इसके पहले नोट बनाते हैं, ये सिर्फ हमको ऐसे रखना है, बाद में ये सब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद 11 नंबर। तो 11 नंबर पे होता है क्या होता है, 11 नंबर पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड 12 नंबर पे होता है अदर इनकम। लेकिन हम लोग डेबिट साइड स्टार्ट कर रहे हैं। डेबिट मीन्स इट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो हमारी हम 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 11, 12 है हमारी, 11, 12 इज रिलेटेड विद द इनकम। 11th वाली नोट क्या होगी हमारी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और 12 वाली नोट क्या होगी हमारी, अदर इनकम। लेकिन वो क्रेडिट साइड जब हम देखेंगे तब आएगा, डेबिट में तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमारी नोट नंबर 13 से स्टार्ट हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सैलरी। किधर आएगी सैलरी, सी ऑलरेडी हमने कर चुके हैं बैलेंस शीट में। सैलरी है 60,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम लिखो, नो एडजस्टमेंट। देन बैंक इंटरेस्ट पेड, ये आएगा फाइनेंस में, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। रेंट पेड, ये आएगा अदर एक्सपेंसेस में, देखो रेंट पेड, ठीक है। तो ये हो गया। देन ये तो ऑलरेडी मशीनरी बिल्डिंग किया है। डिस्काउंट अलाउड भी अदर एक्सपेंसेस में आएगा, देखो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो, नो एडजस्टमेंट। नाउ वेजेस, नाउ अगेन टर्न द पेज, पीछे चलो। वेजेस मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड है, इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग दिया है, ऐड करना है, ठीक है। 32,000। देन ओपनिंग स्टॉक, परचेस, कैरेज, ये तीनों आइटम जाएंगे नोट नंबर 13 में। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड, अंडरस्टूड। ये तीनों की टोटल होती है 1,56,000, got it? Now cash in and already balance sheet में लिखा है। Now repair से लेके general expenses all will go other expenses, देखो, I'm sorry, ठीक है, देखो, done? So debit side complete, सब item check करो, सब लिखे हैं कि हमने items? तो debit side हमारे सब items हमने लिखे हैं, done? Now move to the credit side. क्रेडिट साइड में ऑलरेडी ये वाले तो हमने बैलेंस शीट में लिखे हैं, तो बचा ही क्या, ये दो ही आइटम, सेल्स एंड रेंट रिसीव्ड। तो देखो ये नोट नंबर 11 हमारी है ना, नोट नंबर 12, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और सेल्स, देखो देन डायरेक्टली आउटर कॉलम, क्योंकि सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो ये दो जो आइटम है, सेल्स जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेंट रिसीव्ड जाएगा अदर इनकम। हो गया, कितना आसान है, देखो। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट, दिस इज ऑल आवर पोस्टिंग। अब पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31st मार्च, 31st मार्च डेट है, दैट मींस दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक। इसको ही नया नाम हमको पता चला है, क्या है नाम, अब इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरीज के लिए ऑलरेडी हमने एक नोट बनाई है, ठीक है। तो एक इफेक्ट उसमें जाएगा, और दूसरा इफेक्ट ऑफकोर्स प्रॉफिट एंड लॉस में, देखो यहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग, तो माइनस करना है। तो अब हमारी नोट नंबर 13 बिल्कुल रेडी है, 1,32,000, अंडरस्टूड। तो डायरेक्टली हम नोट नंबर 13 के सामने कितनी अमाउंट लिखेंगे, 1,32,000, गॉट इट। सो एवरी एडजस्टमेंट एज अ टू इफेक्ट, डोंट फॉरगेट। सो ये तो हो गया वन नंबर। अब दूसरा किधर जाएगा, अगर एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में है तो ऑफकोर्स दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में। लेकिन बैलेंस शीट में कौन से हेडिंग में, तो बनाया है हमने इन्वेंटरीज, खास एक नोट बनाई है और हमको कंपलसरी बनानी है, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट में तो स्टॉक होगा ही। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि पहले नोट में क्या क्या लेना है, दूसरे नोट में क्या लेना है, प्रैक्टिस करो, गॉट इट। सो इसके दोनों इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट, बैड डेट्स प्रोविजन मेड 5% ऑन डेटर्स। चलो फिर से, अब डेटर्स पे 5%, यहाँ पे डेटर्स है ऑलरेडी इनर कॉलम में, करो उसका 5% कैलकुलेशन। सो इट कम्स 1,920, ऑफ कोर्स ऑलरेडी माइनस करते हैं। तो हमारी फाइनल फिगर नोट नंबर 3 की फाइनल फिगर होगी 36,480। एवरी एडजस्टमेंट एज अ टू इफेक्ट, इसका तो एक इफेक्ट हो गया,
दूसरा इफेक्ट, अगर एक इफेक्ट बैलेंस शीट में है तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस में चलते। अदर एक्सपेंसेस हो गया दूसरा इफेक्ट भी देकर 1920। गॉट इट? सो दिस टू फिनिश। नाउ मशीनरी डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग मोटर कार डेप्रिसिएशन, तो चलो ऑलरेडी हमने नोट नंबर 1 में लिखा है, बस डेप्रिसिएशन करो, रेडीमेड अमाउंट दिए, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। गॉट इट? सो 1 2 3, देखो 3, 8000 उन्होंने मशीनरी में डेप्रिसिएशन किए तो मशीनरी 8000, ठीक है। बिल्डिंग को उन्होंने 28 किए तो बिल्डिंग 28, एंड मोटर कार को किया है 2480। तो यहाँ पे नीचे ऊपर अमाउंट दिए, पर ध्यान से आपको पढ़ के करना है, ठीक है। एंड फिर फाइनली इनकी अमाउंट बाहर लिखो माइनस करके, डन। नाउ एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, तो चलो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में खास एक हेडिंग ही है, लिख दिया डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिखनी है हमें, ओके। सो ऑलरेडी रेडीमेड अमाउंट दी 8000, 28000, 2480, अंडरस्टूड? सो डन। देखो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब वेजेस तो इधर ही लिखा है, देखो आउटस्टैंडिंग है तो एक इफेक्ट तो ऐड कर दो, ठीक है। एक इफेक्ट ऐड कर दिया हमने, देन एंड दूसरा इफेक्ट, अगर एक इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में दे रहे तो दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे? ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ देंगे? करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी मतलब क्या, कौन सी वाली? तो अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो याद रखना ये ओ से याद रखो, आउटस्टैंडिंग अदर स्लैब करंट लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें अदर करंट लायबिलिटी में लिखना है, ओके। कितना दिया है? 1000, डन। नाउ डायरेक्टर्स डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड, ये स्टार मार्क करो। ये पहले वाले चारों एडजस्टमेंट हमने 11, 12 में काफी पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली नहीं है। नाउ डायरेक्टर ऑलवेज डिक्लेयर द फाइनल डिविडेंड ऑन पेड अप कैपिटल, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए याद रखना है, पेड अप कैपिटल पे, ऑथराइज कैपिटल पे नहीं, ओके। सो चलो अब हो गया, क्या करना है? 20% ये पेड अप कैपिटल कितना था? 4 लाख, देखो यहाँ पे इसके पीछे गया है, ठीक है। आपने लिखा होगा, मेरे साथ लिखो, आप मेरे साथ सॉल्व करो, सिर्फ मोबाइल हाथ में लेके नहीं आपको सुनना है, अकाउंट कभी भी सुन कर देख कर नहीं आता है, आप मेरे वीडियो पॉज करोगे और खुद सॉल्व करोगे तो ही आपको अकाउंट आएगा, ओके। सो चलो डायरेक्टर डिक्लेयर्स, तो 4 लाख पे 20%, देखो यहाँ पे 4 लाख है ना पेड अप, यही मैंने आउटर में लिख दिया, ठीक है। तो 4 लाख पे 20% कितना आता है? ऑफकोर्स 80,000। तो एक इफेक्ट जाएगा प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन के अंडर। प्रोविजन क्यों? क्योंकि उन्होंने पेड नहीं किया, ऐसे प्रपोज रखा है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हाँ भैया हम लोग देंगे, तो प्रोविजन करके रखी है हमने, सो इट विल गो प्रोविजन। तो ये भी देखो कैसे याद रखना है, प्रोविजन, PRO, PRO, देखो सेम सेम वर्ड है ना, तो प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन में जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा ना ट्रिक आपको थोड़ी चालूगिरी करना पड़ेगी, ओके। सो प्रोविजन में हमेशा क्या आ जाता है? प्रपोज डिविडेंड। सो एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, यहाँ पे 80,000 है लेकिन भाई हमें ये पे करना है, किस में से पे करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस में से ऑफकोर्स पे करेंगे, तो यहाँ पे ही दूसरा इफेक्ट देना है प्रपोज डिविडेंड 80,000। लेकिन देखो यहाँ पे अभी तक खाली जगह है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्लोज थोड़ी किया है, ये इस करंट ईयर का थोड़ी प्रॉफिट हमें मिला है, जब मिलेगा तब हम ऐड करेंगे, फिर ये पहले वाला फिर करंट वाला ऐड करके उसमें से फिर हम ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल फिलहाल के लिए ब्लैंक रखो, जब आएगा तब देखते, देखो इस तरीके से ब्लैंक रखो, अंडरस्टूड? सो आई होप ऑल एडजस्टमेंट वी हैव फिनिश। एक बार चेक करना है क्लोज करने से पहले, अकाउंटिंग आइटम्स हमने ट्रायल बैलेंस के सब पोस्ट किए है क्या, एडजस्टमेंट सब की है क्या, वंस यू गेट श्योर फिर अब टैली करना है। तो चलो देखो 11 नंबर के नोट के सामने हमें अमाउंट मिली 4,20,000, अदर इनकम में 14,000, नोट नंबर 13 के सामने 1,32,000, एम्प्लॉय बेनिफिट हमारा पूरा इनका टोटल किया तो 93,000, तो नोट नंबर 14 के सामने हम लिखेंगे 93,000,
फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 15 के सामने हम लिखेंगे 1600, नोट नंबर 16 के सामने हम कितना लिखेंगे 38480। देखो ये नहीं लिखना है, नोट नंबर 16 डायरेक्ट हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे 38480। एंड 17 नोट नंबर 7 के सामने हम लिखेंगे 69920, ये नहीं लिखेंगे डायरेक्टली नोट नंबर 17 के सामने 69920। अंडरस्टूड? तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, अब डालो फटाफट अमाउंट। देखो सिंपल, तो नोट नंबर 11 की अमाउंट पुट की ये दोनों की टोटल आई, मतलब टोटल इनकम हमें हुआ 4,34,000। एक्सपेंसेस कितना हुआ है, सब की टोटल एक्सपेंसेस हो गया 3,35,000। तो अब रहा ही क्या, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर ये आपको याद नहीं रहता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखो, लेकिन कोशिश करो लर्न करने की, बड़े हो गए हो। ठीक है, सो हमें प्रॉफिट मिला 99,000, तो इसके लिए जगह रखी हमने 99,000 के लिए, यहाँ पे स्पेस है ना। ओके चलो, अब नोट नंबर 1 के सामने हम क्या लिखेंगे, नोट नंबर 1 के सामने 66,29,520। ठीक है, ये तीनों की टोटल हम ये लिखेंगे, तो नोट नंबर 1 के सामने कौन सी अमाउंट जाएगी 6,29,520, नोट नंबर 2 के सामने जाएगी 24,000, नोट नंबर 3 के सामने जाएगी 36,480, नोट नंबर 4 के सामने जाएगी 4,000, नोट नंबर 5 के सामने जाएगी 4,00,000, नोट नंबर 6 के सामने अब क्या जाएगी, बाकी है ना करना, यहाँ पे का कंप्लीट हो गया हमारा। अब करंट ईयर का प्रॉफिट मिला अभी जस्ट 99,000, अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट, तो टोटल भैया हमें हो गया 1,89,000। लेकिन रुको, ये थोड़ी पूरा हमारा है, उसमें से हमने प्रॉमिस किया है, हमारे डायरेक्टर साहब ने प्रॉमिस किया है कि 80,000 वी विल पे, तो इसमें से टोटल प्रॉफिट में से 80,000 माइनस करो, तो हमारा प्रॉफिट आएगा 1,09,000। तो नोट नंबर 6 के सामने कौन सी अमाउंट लिखेंगे हम, वन सेक मुझे क्लियर कर, नोट नंबर 6 के सामने हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे 1,09,000। आया समझ में, ये कहां से मिला। ओके तो चलो, अब नोट नंबर 7 सी, सब की अमाउंट डी है। चलो अब क्या बाकी है, फिल इन द ब्लैंक्स और देखो टैली होता है क्या। आप भी टोटल करो, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, इसलिए आप भी टोटल करो। देखो इन सब की टोटल इतनी आती है क्या, इन सब की टोटल इतनी आती है क्या। आपको पता है असेट हमेशा लायबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, तो ये हमारी बैलेंस शीट टैली कहलाती है। अगर टैली हो गई तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके सो आई होप आपको समझ में आया है, इतनी आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं निराली पब्लिकेशन का भी एक लेकर आती हूँ, एंड ऑफ कोर्स मैं चैप्टर नंबर 1 बाकी है वो भी जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। ओके सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।